हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले को लेकर लोग दो धड़ों में बट चुके हैं। जहां कुछ लोग आर्यन के सपोर्ट में उतरा हैं, तो देखिए वहीं कुछ लोग आर्यन के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ ने तो ये भी कहा है कि आर्यन को इस मामले में घसीट कर राजनीति खेली जा रही है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में होने वाली एक ड्रग पार्टी के चलते गिरफ्तार किया गया था, और जिसके बाद कई बार इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने आर्यन को फिलहाल जेल भेज दिया है। अब आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वहीं कई लोग शाहरुख के बेटे का सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इस मामले को लेकर हाल ही में ये शक भी जताया गया है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी राजनीति से जुड़ी हुई है। पूजा भट्ट ने बकायदा ट्वीट कर आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स और एनसीबी को भी लताड़ा था। आर्यन संग वायरल सेल्फी में नजर आने वाले शख्स को किसी राजनेता का प्राइवेट डिटेक्टिव बताया गया है। और इस मामले के बीच कई सेलेब्स आर्यन और शाहरुख खान के सपोर्ट में भी आए हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने आर्यन खान को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है। रवीना टंडन ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आर्यन खान के साथ शर्मिंदा करने वाली राजनीति खेली जा रही है। उन्होंने लिखा कि शर्मिंदगी से भरी राजनीति खेली जा रही है। यहाँ एक युवा लड़के की जिंदगी और भविष्य है जिससे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल टूटने वाली बात है। वहीं इससे पहले आर्यन खान को लेकर एक्ट्रेस सोमी अली ने भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर आर्यन का फोटो शेयर करते हुए लिखा था, कौन सा बच्चा है जिसने ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इस बच्चे को घर जाने दो। ड्रग्स और वैश्यवृत्ति कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए उन्हें अपराध के रूप में मानना बंद करें। ये एक बच्चे के बच्चे होने का सीन है, कोई भी यहाँ संत नहीं है। मैंने 15 साल की उम्र में गांजा ट्राई किया था, और फिर फिल्म आंदोलन के सेट्स पर दिव्या भारती के साथ दोबारा किया था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो आपको बताते चलें, आर्यन खान मामले में इससे पहले सुनील शेट्टी ने भी उनका सपोर्ट किया था और ये कहा था कि वो बच्चा है। और इसके अलावा ऋतिक रोशन भी आर्यन का सपोर्ट कर एक उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, और जिसके चलते बाद में वो ट्रोल भी हो गए थे। खैर, जो भी हो, फिलहाल तो हर कोई यही जानना चाहता है कि भाई आर्यन ड्रग्स मामले में आगे क्या होता है। वैसे रवीना टंडन के बयान पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।